हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने किया है हेलोवीन मेकअप लुक, और आज मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैंने जस्ट एक छोटी सी कोशिश की है। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, और अगर आप और भी इस तरीके के लुक देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके से किया है। और गाइज, मैंने यहाँ पर जस्ट एक छोटी सी कोशिश की है, तो चलिए देख लेते हैं। और मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज वगैरह कर लिया है अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही इजी है इस लुक को करना, और सभी प्रोडक्ट्स के लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आईब्रोज़ को मैं बहुत अच्छे से फिल कर रही हूँ। बहुत ही डार्क आईब्रोज़ दिखाना चाहती हूँ मैं अपनी, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि इस मेकअप में लुक में कुछ इसी तरह की आईब्रोज़ होती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लू हेवन के काजल से अपने आईब्रोज़ को इस तरीके से डार्क कर लिया है, अच्छे से फिल कर लिया है। अब मैं एक टिश्यू पेपर ले रही हूँ और इसे गीला कर लूँगी, और इसे गीला करने के बाद मैं कुछ इस तरीके से अपने चीक एरिया पर और अपनी आईज़ के नीचे इस तरह से लगा लूँगी, आप देख सकते हैं। तो इसे थोड़े थोड़े पार्ट में मैंने गीला कर लगा लिया है। अब मैं इस ब्रश की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे डिवाइड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर कंसीलर लगा रही हूँ, और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इस कंसीलर को इस टिश्यू पेपर के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। और मैं इसमें जो बागे आप देख सकते हैं ये ब्लड जो मैंने तैयार किया है, ये मैंने बहुत ही दो चीज़ों से तैयार किया है। बहुत ही इजी सी दो चीज़ें ली थी मैंने, और वैसलीन का बॉडी लोशन लिया था मैंने, और सिंदूर लिया था। तो उसे मिक्स कर कर मैंने इस तरीके से ये ब्लड तैयार किया है, आप देख सकते हैं। और एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी इस टिश्यू के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने अपनी आईज़ के ऊपर भी लगा लिया है, और अब मैं अपनी दूसरी आईज़ पर भी अप्लाई कर लूँगी। और मैं ब्लू हेवन के आईलाइनर से इस तरह से पलके बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी लंबी जो फॉल्स लैशेज होती हैं वो नहीं थी, तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। सो गाइज़, ये है मेरा फाइनल लुक। बताइएगा आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी, और बहुत ही ईजी तरीका है इसे करने का, बताइएगा मुझे कमेंट में। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।